सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो आज मैं लेके आया हूँ हार्वेस्टिंग वीडियो फ्रॉम माय टेरेस गार्डन। तो आज मैं करने वाला हूँ हार्वेस्टिंग ऑफ पार्सले, मेथी, धनिया, चेरी टमाटोज, टमाटोज और मेरी छत पे ग्रो की हुई गोभी की। सो लेट्स बिगेन। तो आज मैं सबसे पहले मैं हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ पार्सले की। पार्सले, जिनको नहीं पता, ये एक हर्ब कैटेगरी का प्लांट है और ये हमें स्टमक प्रॉब्लम्स, जो कि ब्लॉटिंग, एसिडिटी से रिलीफ देता है। और मैंने इसको छत पे ही ग्रो किया है। मैं इसको नर्सरी से लेके आया था। तो देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है हमें पार्सले से। सो पार्सले के बाद मैं हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ अपने छत पे ग्रो की हुई लेटिस की। लेटिस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेटिस के बिना सब्बे बर्गर्स अधूरे हैं। सो लेटिस के देखिए हमें कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और ये लेटिस मैंने अपनी छत पे ही ग्रो की हुई है। ये मुझे 2-3 बार हार्वेस्टिंग दे चुकी है। ये इसकी फोर्थ हार्वेस्टिंग है। सो आप अपनी छत पे लेटिस भी ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मैंने की है। सो लेटिस के बाद मैं हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ अपने छत पे ग्रो किए हुए धनिया की। धनिया के तो आप सभी ही जानते ही होंगे, हमारी इंडियन सब्जी इसके बिना अधूरी है। तो मैंने अपने छत पे थोड़ा सा एक पीस भी ग्रो किए थे, यानी कि मटर। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसकी 1-2 ही हार्वेस्टिंग मिली है, बाकी मंकीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है। सो इसके देखिए मुझे धनिया की कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। और मैंने इसको अपने छत पे ही ग्रो किया हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं मैंने इसको कैसे ग्रो किया, तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो धनिया की देखिए हमें कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। इसको उगाना बहुत आसान है। सो धनिया के बाद मैं हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ अपने छत पे ग्रो किए हुए टमाटोज़ की। जो इसका टमाटोज़ का साइज़ इस बार टमाटोज़ का साइज़ हमें छोटा ही मिला है। और मैं इसको ग्रीन इसलिए हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी छत पे मंकीस आते हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लेकिन ये टमाटोज छोटे होने के बावजूद भी टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। सो देखिए हमें टमाटोज़ की कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। ये भी मैंने अपने छत पे ही ग्रो किए हुए हैं। और टमाटोज़ के बाद मैं हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ अपने छत पे ग्रो किए हुए चेरी टमाटोज़ की। सो चेरी टमाटोज़ के बारे में जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूँ कि ये एक वेस्टर्न प्लांट है जो कि मैंने अपने छत पे उगाया है। देखिए कितने अच्छे चेरी टमाटोज़ मेरी छत पे हुए हैं। सो मैं अब करने वाले हैं मैं इसकी हार्वेस्टिंग। सो ये दूसरे टमाटोज़ के मुकाबले थोड़े स्वीटर साइड पे होते हैं और ये सीडलेस होते हैं। देखिए मुझे चेरी टमाटोज़ की कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। इसका साइज़ देखिए हमें कितना अच्छा मिला है। सो चेरी टमाटोज़ पास्ताज में यूज़ होते हैं और हम इसे पिज़्ज़ाज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी तरह आप भी अपने छत पर चेरी टमाटोज ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए हैं। आपको इनके सीड्स इजीली मार्केट पे मिल जाएंगे। और मैं ये दूसरे टमाटोज की तरह ही ग्रीन ही हार्वेस्ट किए जाते हैं और ये बाद में रेड हो जाते हैं। चेरी टमाटोज के बाद हम हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं मेथी की। मेथी, जिसको नहीं पता, मेथी की तस्वीर गर्म होती है और ये सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं हम। और देखिए हमें कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है मेथी की। अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में देख के जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और मेथी के बाद हम हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं अपनी छत पे ग्रो की हुई गोभी की। अब सब्सक्राइबर का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या हम अपनी छत पे गोभी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है यस। और देखिए हमें कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। और मैं इसे थोड़ा प्री मेच्योर ही तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको थोड़ा लेट ग्रो किया था। अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ये थोड़ी येलो इसलिए टर्न हो गई है क्योंकि इसमें धूप की वजह से थोड़ी येलो हो गई है। लेकिन हमें इसकी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। तो आप भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक टू